नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। बीते दो दिनों से बिहार की राजनीति काफी गर्म होती जा रही है, क्योंकि बिहार के सबसे बड़े दल राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कार्यालय नहीं आ रहे हैं। वजह है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। बता दें कि छात्र राजद का एक कार्यक्रम था, जिस दौरान तेज प्रताप यादव ने काफी कुछ बीच सभा में कह दिया था जगदानंद सिंह को, उसके बाद से वो कार्यालय नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद से राजनीति काफी गर्म हो गई है। जदयू की ओर से कहा गया कि लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे आखिर कितना जलील करेंगे जगदानंद सिंह को, अब तो जगदानंद सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि जगदानंद सिंह की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन जो राजनीति है काफ़ी गर्म हो गई है। अभी मौजूद है राजद कार्यालय में, जहाँ पर कई नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन हमने बातचीत करने की कोशिश की पूर्व विधायक शक्ति यादव से, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर जगदानंद सिंह कार्यालय नहीं आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ बता रहे हैं, सबसे पहले शक्ति यादव की पूरी बातों को सुनिए। जदयू का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे कितना जलील करेंगे जगदानंद सिंह को, क्या कहेंगे? उनसे पूछे कि प्रभुनाथ सिंह जी को कितना जलील करवाए हैं, दिग्विजय सिंह जी को कितना जलील करवाए हैं, वो मान सिंह वाले लोग हैं या महाराणा प्रताप वाले लोग हैं, भले तय कर लेना। कौन क्षत्रिय समाज में जदयू में नेता हुए जिस बिहार और देश की राजनीति में एक कोई छाप छोड़ा हो? सब तो दुम दबा करके सेवा में लगे रहते हैं, चरण वंदना में लगे रहते हैं। यहाँ जो लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में इतिहास रहा है, एक से एक बड़े क्षत्रिय समाज राष्ट्रीय जनता दल के विचार और नीतियों से लैस होकर करके एक बड़ा छाप छोड़ा है देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में। जगदानंद सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष ही नहीं हैं, उस पंक्ति के नेता हैं जिन्होंने खून पसीने से राष्ट्रीय जनता दल को ही नहीं बल्कि नीतियों को, सामाजिक न्याय की नीतियों को उन्होंने सींचा है। ये महाराणा प्रताप के सिद्धांत वाले लोग हैं, उधर मानसिक वाले लोग हैं, दोनों में फर्क है ना। जाति का कल्चर में ना लेकर जदयू बार बार बोलता है कि होना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार के जदयू अगर जाति का जनगणना पर तो सड़क पर आए, हम लोग जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं सड़क पर आए, सांकेतिक सिर्फ मात्र कह देने से जातिगत जनगणना नहीं होगी। सवाल ये उठता है कि जातिगत जनगणना को हर हाल में लागू जब तक नहीं करते हैं, तब तक समाज में शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक जो स्थितियां हैं उसको कैसे आप आकलन करेंगे, तब तो उनका उन्नयन का रास्ता कैसे आप ढूंढेंगे? उनका उन्नयन का रास्ता, क्योंकि बहुत सारे आयोग बन गए राज्य के अंदर में, देश के अंदर में, कोई रपटे ऐसी नहीं आई जो उन्नयन के रास्ते अख्तियार करें। एकमात्र एक विकल्प है जातिगत जनगणना, जिसके आधार पर आप जो है समाज को समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में आप हैं, क्योंकि सवाल साफ साफ है ना, पहले अपने जदयू भाजपा पर तय कर लो, आप लोगों तो स्टैंड पहले ही क्लियर है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुष और महिला यानी सामाजिक रूप से सजगता ही आपको कहीं ना कहीं आगे का रास्ता दिखाएगा। अरे भाई, उनका प्रदेश अध्यक्ष कहाँ गायब है? अपन प्रदेश, हमारे प्रदेश तो लगातार आते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कभी कभी किसी लोगों का जब कभी तबीयत है, उम्र है, कभी रेस्ट भी जाते हैं, लेकिन निरंतर जितनी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा आदरणीय जगदानंद सिंह जी देते हैं, शायद ही कोई अध्यक्ष हुआ किसी पार्टी में इतनी सेवा देते। तो आप सुन रहे थे जो शक्ति यादव साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और साफ तौर पर उनका कहना है कि जगदानंद सिंह वो नेता है जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है, ऐसे में उनकी उम्र हो गई है, ऐसे में वह कहीं ना कहीं बीमार, इसलिए वह आराम कर रहे हैं, इस वजह से वह कार्यालय नहीं आ रहे हैं। जबकि असल वजह ये मानी जा रही है कि तेज प्रताप यादव की बात से कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह नाराज होकर कार्यालय नहीं आ रहे हैं। इससे पहले बता दें कि जो रघुवंश प्रसाद सिंह थे, वो राजद के कद्दावर नेता थे, उनके लिए भी तेज प्रताप यादव ने लोटा भर पानी कहकर उन्हें लज्जित किया था, जिसके बाद उसी के कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और उसके बाद से कहा जा रहा था कि तेज प्रताप यादव की वजह से ही जो उनकी मृत्यु है हुई है, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव जिस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, चाहे जगदानंद सिंह को कहना हो या फिर किसी और नेता को कुछ भी कहना, खुले तौर पर वो खुले मन से कई बार जगदानंद सिंह को लज्जित कर चुके हैं अपनी बातों से। देखने वाली बात हुई कि डैमेज कंट्रोल में कल
पूर्व विधायक शक्ति यादव पहुंचे थे कार्यालय में और मीडिया से बातचीत भी की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डैमेज कंट्रोल तो हो रहा है, लेकिन आखिर जगदानंद सिंह का आखिर अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इस बार जिस तरीके से जगदानंद सिंह को तेजप्रताप यादव ने लज्जित किया है वो काफ़ी बड़ी बात है। तो आप ऐसी खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।